सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो टाइटल से आपको पता चल गया होगा, एक रियल लिटमैन स्टेथोस्कोप और एक फेक लिटमैन स्टेथोस्कोप ये यूज़ करते हुए मुझे 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल से मुझे यही लग रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हालांकि इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और जब मैंने इसको यूज़ किया है रियल वन को, तो मुझे पता चला है कि मैं 1.5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और वो भी फेक वाली को। और इसकी भी अगर आप प्राइस देखें तो कम अज़ कम 6 to 7 thousand। तो अब इसको फॉर एग्जांपल मैं लगा के अपनी पैक्स बीट सुनता हूँ, मुझे पंखों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे बाहर बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे कई दूर जाके पैक्स बीट सुनाई दे रही है। यहाँ पे MBBS लाइफ में हमें क्रिस्प लाउड आवाज़ आना बड़ा लाजम है। वो क्यों? क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, जबकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें एक अच्छी खासी आवाज़ सेंसिटिविटी के साथ आए तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल में और एबनॉर्मल में, और ऐसे यूज़ करके ना कि आपका एक्सपीरियंस बनेगा, जो एक्सपीरियंस है वो भी डूब जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने हमेशा रियल लेनी है, और रियल लेने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, वो आपने हमेशा याद रखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल परचेजिंग अ रियल लिटमैन स्टेथोस्कोप, सबसे पहले जो आपने देखना है वो होती है पैकेजिंग। आपको पैकेजिंग में सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो होता है QR कोड। QR कोड को आपने स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद ये आपको रियल वेबसाइट पे लेके जाएगी, जिसके बाद आप इसकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। जबकि अब फेक वन में भी जहरी सी बात है QR कोड होगा, लेकिन QR कोड ओरिजिनल नहीं होगा, जिसके बाद आपको कोई भी ऐसी वेबसाइट पर ये नहीं लेके जाएगा स्कैन करने के बाद। तो ये तो हो गया QR कोड और पैकेजिंग। अब सबसे बड़ी बात जो आपने ओपन करना है, जब आप इस चीज़ को ओपन करेंगे पैकेजिंग को, तो सबसे पहली लुक में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिलेंगी रियल वन में। ये सिर्फ आपको रियल वन में मिलेंगी, और एडिशनल साथ में आपको एयर टिप्स, डायफ्राम और सील मिलेगी, और साथ ही साथ में आपको ये नाम लिखवाने के लिए भी मिलेगा। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको रियल वन में साथ में मिलेंगी। सो अभी मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ हैक बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आपने सिंपली करना क्या है, स्टेथोस्कोप में हाथ में पकड़कर एयर ट्यूब्स पर प्रेशर डालना है। जब आप ये करेंगे तो आपको इस स्टेथोस्कोप की सेंसिटिविटी चेक आप कर लेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसकी बहुत ही अच्छी सेंसिटिविटी है, इट शोज़ कि ये ओरिजिनल चीज़ है। जबकि आप फेक वन में आप अगर यही सेम हैक अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल नतीजा सामने आ जाएगा, जैसे कि अभी आप देखिएगा। इसको मैं अभी अगर करता हूँ, इसकी एयर ट्यूब्स पर प्रेशर डालता हूँ, अभी ये देखें एक तो बहुत हार्ड है, जब मैं प्रेशर डाल रहा हूँ तो इसका डायफ्राम बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, इट शोज़ कि ये फेक है, जस्ट आपको चूना लगा रहे हैं। इसकी एयर ट्यूब्स देखें कितनी हार्ड है। अभी मैं आपको ओरिजिनल वाली की एयर टिप्स दिखाता हूँ, तो इसकी एयर टिप्स आप देखें कितनी सॉफ्ट हैं, ये आपके कानों को भी हर्ट नहीं करेंगी। तो आपने ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आपको एक और रियल लाइफ हैक दिखा रहा हूँ। अब देखें इसका काम क्या होता है, जब आप इसको एक तरफ घुमाते हैं तो ये बेल का फंक्शन ऑन कर देता है, जब आप इसको दूसरी तरफ घुमाते हैं तो ये डायफ्राम का फंक्शन ऑन कर देता है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जबकि आप इसमें अगर आप देखते हैं तो अगर आप लेफ़्ट की तरफ घुमाते हैं तो ये बेल का फंक्शन ऑन कर देता है, मीन आपको बेल की तरफ से सुनाई देगा, लेकिन आप राइट की तरफ करते हैं तो ये डायफ्राम के फंक्शन को ऑन कर देगा। इट्स मीन कि ये फुली फंक्शनिंग है। तो ये चीज़ें कुछ बहुत बड़े डिफरेंस हैं। इसकी क्वालिटी चेक करें, आप देखें इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी, इस रबर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप दूसरी तरफ उसको लुक में भी देखेंगे तो लुक में भी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। यहाँ पे साथ में आपको ये कॉपी भी मिल रही है, इसमें आपको यूज़ करना क्या वो हमें सबको पता ही होता है। इसकी आप देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें, इसकी फर्निशिंग देखें, और साथ में इसका बस स्ट्रक्चर देखें। आपको ये रियल वन में अभी देखें, इसकी जस्ट फर्निशिंग देखें, इसकी रबड़ की क्वालिटी देखें, आपको सारा डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन जब इसकी फर्निशिंग आप देखेंगे तो आपको ये देखें इररेगुलर सी, ये देखें
ना कोई, ऐसे लग रहा है जैसे कोई थर्ड क्लास इसकी फिक्सिंग की गई है। लेकिन जो ही आप रियल वन की देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेन डिफरेंस पता चल जाएगा कि बिल्कुल स्मूथ फर्निशिंग, स्मूथ फिक्सिंग और अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। मेन डिफरेंस प्रोडक्ट्स में होता ही है कि एक अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाता है, जबकि ये हम पैसे भर रहे होते हैं दूसरों की, लेकिन हमें उसी पैसे में वो क्वालिटी नहीं मिलती। तो ये चीज़ें आपने कुछ याद रखनी है, और आपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ये 3-4 टिप्स आपने जब भी कोई रियल स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने याद रखना है।